कि गरबा क्वीन फाल्गुनी पाठक और सिंगर नेहा कक्कड़ के बीच चल रहा विवाद महज दिखावा था, कि दोनों के बीच शुरू हुआ विवाद केवल पब्लिसिटी स्टंट था। टीवी रियलिटी शो इंडियन आइडल के मंच पर नेहा कक्कड़ के साथ फाल्गुनी पाठक को देख लोगों का दिमाग मानो ठनक गया और लोगों ने इन दोनों के बीच की लड़ाई को पब्लिसिटी स्टंट का नाम दे दिया है। सोनी टीवी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए गए प्रोमो में जब फाल्गुनी पाठक और सिंगर नेहा कक्कड़ एक साथ एक मंच पर नजर आए तो फैंस उन्हें ट्रोल करने लगे। इसको लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह के रिएक्शंस देखे गए। एक फैंस का कहना था कि ये सब मिलकर हमें पागल बना रहे हैं, ये सब पब्लिसिटी स्टंट था और एक गाने को हिट करवाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। बता दें कि नेहा कक्कड़ को फागुनी के 90 के दशक के सुपरहिट गाने मैंने पायल है चनकाई का रीमेक बनाने के लिए सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया था। वहीं खुद फाल्गुनी पाठक ने भी सोशल मीडिया पर इस गाने की निंदा की थी। इस विवाद पर लोगों के तरह तरह के रिएक्शंस देखे गए, लेकिन अब इसी विवाद के बीच फाल्गुनी पाठक टीवी रियलिटी शो इंडियन आइडल के मंच पर नजर आ रही है और वो भी नेहा कक्कड़ के साथ। आपको बता दें कि सोनी टीवी के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर रिसेंटली शो के अपकमिंग एपिसोड का एक प्रोमो जारी किया गया है। इस प्रोमो में फाल्गुनी पाठक शो की जज नेहा कक्कड़ और हिमेश रेशमिया और होस्ट आदित्य नारायण के साथ डांडिया खेलती नजर आ रही है। वहीं इस प्रोमो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा गया, इंडियन आइडल के मंच पर होगी गरबा नाइट विद फाल्गुनी पाठक, देखिए इंडियन आइडल 13। अब बस फिर क्या था, इसके बाद तो फैंस शॉक्ड रह गए और लोगों ने उनके बीच के विवाद को पब्लिसिटी स्टंट बताना शुरू कर दिया। किसी ने लिखा कि ये सब इनकी ओवर एक्टिंग है, तो वहीं एक यूजर ने कमेंट कर लिखा कि ये गाने को फेमस करवाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं। वहीं एक दूसरा यूजर लिखता है कि क्या दिखावा है यार, ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा, शेम ऑन यू फाल्गुनी मैम, हमने आपका सपोर्ट किया और आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने सिर्फ पब्लिसिटी के लिए ऐसा किया। खैर, आपको बता दें कि रिसेंटली टी सीरीज ने नेहा कक्कड़ की आवाज में मैंने पायल है चनकाई का रिमिक्स वर्जन जारी किया था। हालांकि इस गाने को काफी अच्छे व्यूज मिले, लेकिन सोशल मीडिया पर काफी लोगों ने इस गाने को बकवास बताते हुए फाल्गुनी पाठक के ओरिजिनल गाने को सपोर्ट किया। वहीं इस गाने पर खुद फाल्गुनी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी और कहा कि मुझे रिमिक्स वर्जन के बारे में 3-4 दिन पहले पता चला, इसे सुनकर ऐसा लगा कि मुझे बस उल्टी आनी बाकी थी। खैर, अब दोनों इतनी जल्दी एक मंच पर आकर डांडिया खेल रहे हैं, तो अब इसको लेकर आपकी क्या है राय, बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। फॉर लेटेस्ट बॉलीवुड न्यूज एंड गॉसिप्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल बॉलीवुड लाइफ टाइम्स।